वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 सर्किल्स, इसकी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 10 एंड 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 10 में गिवन है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सब्टेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। ओके, तो फर्स्टली समझते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए, फर्स्टली हम लोग को गिवन है कि एक सर्कल है, ये हम लोगों ने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, जिसका सेंटर ओ है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि टेंजेंट्स ड्रॉ करी गई है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। तो ये कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट हमने सपोज पी मान लिया, इससे जो है सर्किल पर टेंजेंट्स ड्रॉ करी गई है। तो हमने माने कि सपोज दिस इज और दिस, ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो पी ए और पी बी, ये दो टेंजेंट्स हम लोगों ने ड्रॉ कर दी। फिर क्या कहा गया है कि इनको यहाँ पे फर्स्टली तो ज्वाइन करा देते हैं सेंटर से, ये हमने इस तरीके से ज्वाइन करा दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल। एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स यानी कि ये जो दो टेंजेंट्स है इनके बीच का जो एंगल है, ठीक है, और पॉइंट टू अ सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सब्टेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। यानी कि जो लाइंस, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, इसको जब हम सेंटर से यहाँ पे हमने ज्वाइन करा दिया, ठीक है, ए और बी दोनों क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, इनको हमने सेंटर से यहाँ पे ज्वाइन करा दिया। तो ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और साथ में ही ये जो टू टेंजेंट से यहाँ पे ज्वाइन फॉर्म हो रहा है, इन दोनों का सम ये क्या है, ये दोनों एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री है, मीन्स इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो फर्स्टली हम लोग गिवन लिख लेते हैं, पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स टू द गिवन सर्किल। ओके, देन टू प्रूव, प्रूफ क्या कराना है कि एंगल पी प्लस एंगल ओ, ठीक है, पी और ओ इन दोनों का सम क्या है, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, मींस इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री के इक्वल है, ये हम लोग को प्रूफ कराना है। तो इसका प्रूफ देखते हैं, देखिए यहाँ पे ओ ए क्या है, रेडियस है, और पी ए क्या है, टेंजेंट है, ए इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग को 90 डिग्री का एंगल मिलेगा, ठीक है, क्योंकि रेडियस जो है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। सिमिलरली ओबी भी यहाँ पे रेडियस गिवन है और पीबी क्या है, टेंजेंट है। तो इट मींस यहाँ पर भी हम लोग को 90 डिग्री का एंगल मिलेगा, है ना, ये जो रेडियस है ये टेंजेंट पे क्या करेगी, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। तो इट मींस इन दोनों ही एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। और ये हम लोग को क्या मिल रहा है, पी ए ओ बी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका सम क्या होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो उससे हम लोग बहुत ही आसानी से ये प्रूफ करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी ए एंड ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी बी, और इसका रीजन लिख देते हैं, रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, तो यहां पे लिख लेते हैं कि एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री, और यहां पे इसका रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। और यहाँ पे हम लोग को एंगल ए और एंगल बी क्या मिल रहा है, 180 डिग्री का मिल रहा है ना।
सो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल पी प्लस एंगल ए की वैल्यू हम लोगों ने 90 डिग्री रख ली, एंगल ओ प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू, ये 90 और 90 प्लस हो जाएगा तो 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री. सो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो ये हम लोग का प्रूफ हो गया. Hence, proved. Question 11 में क्या गिवन है? Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. ठीक है? तो अगर एक हम लोग को सर्किल गिवन है, ये सर्किल दिया गया है और इसके चारों तरफ क्या बना है, एक पैरेललोग्राम बना है. तो सपोज हमने ये इस तरीके से ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया. ठीक है, दिस इज सेंटर ओ पॉइंट और यहाँ पे ये ए बी सी डी, ये हम लोगों ने पैरेललोग्राम मान लिया. और सपोज ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ये पी क्यू आर एस है. ठीक है, तो हम लोग को प्रूफ क्या कराना है कि यहाँ पे ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है वो क्या है, रोम्बस है. ठीक है, ये चीज हम लोग को प्रूफ करानी है. अब देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, है ना, और जबकि रोम्बस में क्या होता है, इसकी चारों ही साइड्स इक्वल होती हैं. तो इट मीन्स हम लोग को ये चारों साइड्स जो है इक्वल प्रूफ करके दिखानी है. ठीक है, गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, पैरेललोग्राम है तो इट मीन्स अपोजिट साइड्स है इक्वल. तो ए बी इज इक्वल टू सी डी है और ए डी इज इक्वल टू बी सी है. ठीक है, और यहीं पे इसको हम लोग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू एज्यूम कर लेते हैं. टू प्रूफ, प्रूफ कराना है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस. ठीक है, कि ये रोम्बस है. तो इसका प्रूफ देखते हैं. यहाँ पे देखिए ए जो है हम लोग को सर्किल का एक्सटर्नल पॉइंट गिवन है. ठीक है, तो जब एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट्स ड्रॉ करी जाती हैं तो वो इक्वल लेंथ की होती हैं. इट मीन्स ए पी की लेंथ जो है वो ए एस के इक्वल होगी. ठीक है, इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि बी यहाँ पे क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट है तो बी पी की लेंथ जो है वो बी क्यू के इक्वल होगी. ओके, तो यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि बिकॉज ए पी इज इक्वल टू ए एस एंड बिकॉज बी पी इज इक्वल टू बी क्यू और इसी तरीके से सी से भी जो टेंजेंट्स ड्रॉ करी गई हैं सी आर और सी क्यू. ठीक है, तो इनकी भी लेंथ क्या होगी, सेम होगी, है ना. अब यहाँ पे जो एल एच एस वाले हैं ये लिखते समय ध्यान रखिएगा कि ये जो अपोजिट साइड्स हैं यही चीज हम लोग को एल एच एस में मिले. ठीक है, तो सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, सी आर को हम लोग एल एच एस में रखेंगे, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू. ठीक है, और डी पॉइंट से जब डाली गई है टेंजेंट्स तो डी आर की लेंथ जो है वो भी डी एस के इक्वल होगी. तो डी आर को हम लोग कहाँ रखेंगे, एल एच एस में रखेंगे. तो बिकॉज डी आर इज इक्वल टू डी एस, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थ्री, दिस इज फोर, दिस इज फाइव एंड दिस इज सिक्स. और इन सभी का रीजन क्या हो जाएगा, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट हैविंग इक्वल लेंथ. ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन चारों भी इक्वेशंस को हम लोग ऐड कर देते हैं. ठीक है, तो बाय एडिंग इक्वेशन थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए एलएचएस वाले साथ हम लोग ऐड कर देंगे तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस को हम लोग ए एस के साथ में ही रखते हैं, डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू. ठीक है, बी क्यू प्लस सी क्यू. अब अगर हम लोग
इनको ब्रैकेट में रख दें तो हम लोग को देखिए कौन सी साइड मिलेगी, एपी प्लस बीपी, एपी और बीपी को ऐड करेंगे तो हमें एबी वाली साइड मिलेगी, ठीक है। इसकी जगह पे हम एबी रख देते हैं और सीआर और डीआर, सीआर डीआर इनकी जगह पे हम लोग क्या मिला, सीडी वाली साइड मिली है। तो सीडी इज इक्वल टू एएस और डीएस, एएस डीएस की जगह पे हम एडी लिख सकते हैं, प्लस बीक्यू सीक्यू, बीक्यू और सीक्यू यानी कि बीसी वाली साइड, ओके। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन वन हम लोगों ने क्या बनाई थी, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, तो सी डी की जगह पे हम ए बी पुट कर सकते हैं कि ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ए डी है और बी सी है, ए डी बी सी के इक्वल है, तो यहाँ पे ए डी प्लस ए डी रख सकते हैं बी सी की जगह पे, है ना। और यहाँ पे इसका रीजन लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही हम लोग को गिवन है, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि टू ए बी इज इक्वल टू टू ए डी, इट मीन्स कि ए बी इज इक्वल टू ए डी। तो यहाँ पे देखिए ए बी और ए डी साइड ये एडजेसेंट साइड्स हैं, जो कि हम लोग को इक्वल मिल रही हैं, जबकि पैरेललोग्राम में तो हमें अपोजिट साइड्स इक्वल मिली थी। तो जब एडजेसेंट साइड इक्वल हुई है तो इसी तरीके से हम लोग प्रूफ करा सकते हैं कि बी सी वाली साइड भी वो सी डी के इक्वल है ना। तो ये चीज यहाँ पे लिख लेते हैं, सिमिलरली बी सी इज इक्वल टू सी डी, है ना। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, इट मीन्स जब चारों ही साइड्स अब हम लोग को इक्वल मिल रही हैं तो अब ये क्या हो गया, रोम्बस बन गया, है ना। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस, हेंस प्रूव्ड। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।